एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको एलिजाबेथ ब्लैकवेल के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो ब्रिटिश की पहली महिला थी जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मेडिकल डिग्री प्राप्त हुई। तो आइए जानें कैसे। एलिजाबेथ ब्लैकवेल का जन्म 3 फरवरी 1821 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता सैमुअल ब्लैकवेल, जो शुगर रिफाइनरी में काम करते थे, और माता हैना ब्लैकवेल के 4 बेटे और 5 बेटियां थीं। सन 1832 में उनका परिवार इंग्लैंड छोड़कर न्यूयॉर्क में बस गया, और इसकी वजह थी उनके पिता के शुगर रिफाइनरी में आग लगना। उनके पिता सैमुअल का मानना था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी अपने टैलेंट्स दिखाने का मौका मिलना चाहिए। उस समय ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती थी। कुछ सालों बाद उनका परिवार न्यूयॉर्क से ओहायो में बस गया। जब एलिजाबेथ ब्लैकवेल 17 वर्ष की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार चलाने के लिए उनके पास बहुत कम धन था। तभी सभी बहनों ने मिलकर इंग्लिश और फ्रेंच स्कूल की स्थापना की। एक दिन एलिजाबेथ अपनी एक दोस्त से मिलने गई जो बहुत बीमार थी। उनकी दोस्त ने उनसे कहा कि यदि उनका इलाज किसी महिला डॉक्टर ने किया होता तो शायद वो ठीक हो गई होती, और ये बात एलिजाबेथ के दिल में घर कर गई और उन्होंने डॉक्टर बनने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कई कॉलेजेस में अप्लाई किया, लेकिन एक के बाद एक सबने मना करना शुरू कर दिया, सिवाय एक के, जिनेवा मेडिकल कॉलेज न्यूयॉर्क। उस समय कॉलेज फैकल्टी ने 150 पुरुष छात्रों के ऊपर यह निर्णय छोड़ दिया था कि एलिजाबेथ ब्लैकवेल को एडमिशन देना है या नहीं। और अद्भुत बात यह है कि सबने इस बात को मजाक समझा और हाँ में वोटिंग कर दी, और यहीं से उनकी डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू हो गई। एलिजाबेथ ने 2 साल बहुत मेहनत की और आखिरकार 23 जनवरी 1849 में वो पहली महिला बनी जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में मेडिकल डिग्री प्राप्त हुई। सन 1849 अप्रैल में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई यूरोप में करने का निर्णय लिया और वो ब्रिटेन के कई हॉस्पिटल्स गई और फिर पेरिस वापस चली गई। सन 1851 में वो अमेरिका वापस आ गई और सन 1857 में उन्होंने अपनी बहन एमिली, जो दूसरी महिला थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री पाने वाली, और डॉक्टर मारिया के साथ मिलकर एक डिस्पेंसरी खोली जहाँ पे महिलाओं और बच्चों का इलाज हो सके। एलिजाबेथ कई बार इंग्लैंड आई और सन 1859 में वह पहली महिला थी जिनका नाम ब्रिटिश जनरल मेडिकल काउंसिल्स मेडिकल रजिस्टर में लिखा गया। सन 1868 में उन्होंने वुमेन्स मेडिकल स्कूल खोले। उसके बाद वह सन 1869 में इंग्लैंड वापस आई और सन 1871 में उन्होंने नेशनल हेल्थ सोसाइटी की स्थापना की। उनका मानना था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सन 1870 में उन्होंने लंदन में एक प्राइवेट प्रैक्टिस खोली और उसके बाद उन्होंने महिलाओं का भी साथ दिया मेडिकल डिग्री में एडमिशन के लिए, और इसी की वजह से 1876 में ये संविधान लागू किया गया जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला। सन 1875 में एलिजाबेथ ब्लैकवेल को गायनेकोलॉजी का प्रोफेसर बना दिया और इसी के बाद उन्होंने कई किताबें भी लिखी। साथ ही वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की करीबी दोस्त थी। सन 1881 में सिर्फ 25 महिला डॉक्टर रजिस्टर्ड थी इंग्लैंड और वेल्स में, और सन 1911 में आंकड़ा 495 तक पहुंच गया। इसी से पता चलता है कि एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने अपनी कोशिश में कामयाब हुई। 31 मई 1910 उनका देहांत हेस्टिंग्स इंग्लैंड में हुआ। आज हम एलिजाबेथ ब्लैकवेल को कई नामों से जानते हैं, जैसे ब्रिटिश चिकित्सक, पहली महिला मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, पहली महिला अपना नाम मेडिकल रजिस्टर पर लिखवाने वाली इंग्लैंड और वेल्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।